अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और ये सेंट लॉरेंस गवर्नमेंट कॉलेज जो है उसका जूलॉजी का पेपर है। ओके, क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, अमीबिक डिसेंट्री इज कॉज बाय। तो यहाँ पे लगाया हुआ है किसी ने अमीबा, बल्कि ये होता है एंट अमीबा हेस्टोलाइटिका से, ठीक है। अमीबा की कैटेगरी से ही बिलोंग करता है ये, जो सार्कोडीना है उससे ही बिलोंग करता है ये। तो ये एंट अमीबा हेस्टोलाइटिका है जो कॉज करता है अमीबिक डिसेंट्री। ये चैप्टर नंबर 12 के अंदर आपको मिल जाएगा अमीबिक डिसेंट्री का टॉपिक, डिसेंट्री का टॉपिक मिल जाएगा अमीबिक डिसेंट्री, जबकि जो चैप्टर नंबर 7 है उसके अंदर एंट अमीबा हेस्टोलाइटिका मिल जाएगा। फार्मिंग ऑफ सिल्क वर्म, तो ये सेरिकल्चर कहलाता है जबकि ये हनी बी की फार्मिंग होती है एपिकल्चर। हार्ट बीट पर मिनट इन हेल्दी पर्सन एवरेज 72 टाइम्स होता है, बिल्कुल सही है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एबसेंट इन, तो इनसेक्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो एबसेंट होता है जब भी उनका ब्लड जो है वो वाइट होता है। कर्व टीथ इन स्नैक्स, जो बाइटिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम फैंग्स कहते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड के अंदर आता है। कार्बोहाइड्रेट इज फाउंड इन मिल्क ओनली, तो वो लैक्टोज है। दिस इज नॉट डाइजेस्टेड बाई हाइड्रा, हाइड्रा जो है वो स्टार्च डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। नॉन कंपेरेटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम, दे आर अटैच टू एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, ईजी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्ट्स एक्सेप्ट, तो इंसेक्ट्स जो हैं ये वो हैं जो कि आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा या हेक्सापोडा से बिलोंग करते हैं। इनके पास 6 टांगे होती हैं, तो कॉकरोच के पास 6 टांगे होती हैं। एनाफिलस ये मस्कीटो है, इसके पास भी 6 टांगे होती हैं। सिल्वर फिश ये भी इंसेक्ट है, बुक्स के अंदर पाया जाता है ये। लिमुलस जो है ये किंग क्रैब है, ठीक है, ये पहली क्लास से बिलोंग करता है, जिसका नाम मीरोस्टोमेटा है। तो ये जो है ये इंसेक्ट नहीं है। ना इट इज़ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, तो नॉन प्रोटीन पार्ट को मैंने आपको बताया कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो है वो कहलाता है क्या कहते हैं, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है, और वो टाइटली बॉन्ड भी हो सकता है, लूजली बॉन्ड भी हो सकता है। तो ये भी नॉन प्रोटीन है, ये भी नॉन प्रोटीन है। फ़र्क ये है कि ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि लूजली बाउंड होता है, ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट है। ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक दोनों हो सकता है, बट ये टाइटली बाउंड होता है। बट बुक के अंदर एक लाइन मेंशन है कि नॉन प्रोटीन पार्ट जो प्रोस्टेटिक ग्रुप कहलाता है, तो कोफैक्टर चूंकि यहाँ पर नहीं है तो हम प्रोस्टेटिक ग्रुप लगा रहे हैं। Now, all of the following are natural cloning except, तो ये दोनों और ये natural cloning के अंदर आते हैं, जबकि dizygotic twins जो हैं ये clones होते ही नहीं है, natural क्या ये artificial भी नहीं होते। इसके अंदर बस ये दो बच्चे होते हैं जो कि एक साथ develop हो रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल different होता है। The larva of echinoderm is, तो echinoderm का जो larva है वो tornaria larva कहलाता है, जबकि जो bipinnaria larva है ये sponges का होता है पॉलीफेरा का, जबकि planula larva जो होता है ये phylum nidaria का होता है। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज बाय, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स का क्लासिफाइड है, तो ये स्टेरॉइड्स होते हैं। द सब्सटेंस प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ द लीच, तो ये हेरोडिन है, ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जिस तरह हमारे पास हेपरिन होता है, हेपरिन जो है वो ब्लड क्लॉट होने से रोकता है, बिल्कुल इसी तरह ये हेरोडिन है। द स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड, तो एक थियोलॉजी होती है, ये इंसेक्ट्स की स्टडी है, ये बर्ड्स की है। ये क्या लिखा हुआ है, हर्पेटोलॉजी एम्फीबियंस की स्टडी होती है। नाउ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स, तो रेजिडुअल वॉल्यूम वो अमाउंट होता है कि आप लंग्स में से हवा जो है वो बाहर निकालने की कोशिश करें, बट उसके बावजूद कुछ हवा जो है वो लंग्स के अंदर रह जाती है, सो दैट इज़ कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ये बाहर नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ये अगर निकल जाएगी तो लंग्स की दीवारें एक दूसरे से चिपक जाएंगी, तो ये 1 लीटर के करीब होता है। RBCs contain enzyme, तो RBCs के अंदर जो एंजाइम होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कहलाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कम्बाइन करवाता है, इससे बनता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये रिएक्शन ये इस तरह से भी करवा सकता है, और भी ये कार्बोनिक एसिड खुद ब खुद ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन के अंदर और बाइकार्ब के अंदर, ठीक है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। पेनक्रियास सीक्रीट 3 टाइप्स ऑफ व्हाट, तो पेनक्रियास जो है वो एंजाइम सीक्रीट करता है। अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया हुआ है, बोथ ए एंड सी, नहीं ए एंड सी नहीं, अगर ए एंड बी देते तो हम सोच सकते थे, क्योंकि हार्मोन्स आते हैं यहाँ से, इंसुलिन आता है, ग्लूकागन आता है और एक और हार्मोन आता है सोमेटोस्टैटिन, बट यहाँ पर ए और बी, ए और सी दिया हुआ है, तो ए और सी नहीं है, खाली ए है। एंजाइम्स जो हैं इसके अंदर, इसमें लाइपेज आता है, इसमें जो है वो अमाइलेज आता है, इसमें ट्रिप्सिनोजन आता है, तो ये एंजाइम्स डिफरेंट तरह के जो पेनक्रियास से आते हैं। नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस को हम छोड़ रहे हैं, नॉन रीजनिंग के ऊपर आते हैं। राइट नोट ऑन ऑर्डर डिप्नोए, तो ये लंग फिशेज हैं। वट आर पैरासाइटिक रिप्रेशन, आसान है, फ्लैट वर्म्स के अंदर क्यूटिकल है, इसके अलावा अटैचमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन बिल्कुल रिड्यूस हो गई है, रिप्रोडक्शन फास्ट है। डिफरेंशिएट बिटवीन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, तो ये सर्दियों में है, ये गर्मियों के अंदर है। एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, एरेक्निडा के अंदर स्पाइडर्स आते हैं,
स्काइफोजोवा, ये आपकी नेडेरिया की क्लास है। तो जेलीफिश जो है वो स्काइफोजोवा से बिलोंग करती है। कीस्टोडा जो है ये आपके टेपवर्म्स होते हैं, और क्रस्टेशी के अंदर प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, नेम द डिफरेंट पार्ट्स, माउथ पार्ट्स, ठीक है, ये च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप वगैरह है। पॉलीमॉर्फिज्म एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द फाइलम नेडेरिया। तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जो है वो डिफरेंट तरह की बॉडीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म नेडेरिया के अंदर पाया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस। सेलियंट फीचर्स ऑफ फाइलम एनेलिडा और मॉलस्का, ठीक है, यही पूछे जाते हैं बार बार। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन विद लेबल डायग्राम, ठीक है, सिस्टम डिस्क्राइब करना है, इसमें डाइजेशन डिस्क्राइब नहीं करनी, यानी प्रोसेस किस तरह से क्या चीज़ टूटती है वो डिस्क्राइब नहीं करना, बट पार्ट्स जो हैं वो डिस्क्राइब करना है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। इम्यूनिटी, नेट इम्यूनिटी इन डिटेल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्लास मेमल्स, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, मैकेनिज्म ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, ओके, एक्सप्लेन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है। एमनियॉट्स वो होते हैं जिनके पास एमनियॉन होती है, जिसमें आपके रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स एंड मैमल्स हैं। क्लास एव्स और इसकी सब क्लासेज जो है उनके बारे में बताना है।